बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज जो है ना माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा है। तो कल का वीडियो, जो कल का व्लॉग था उसका हमने एंड कर दिया था क्योंकि शोर इतना ज़्यादा आ रहा था पीटर का, और आज भी सारा दिन पीटर चलता रहा है, पानी लगा रहा है। आज माशाल्लाह सारे जो खेत हैं ना उनको पानी लग चुका है। कबों को क्या हो गया, सारे कबे साइडों पे आके बैठ गए, आज सारे खेत में पानी लग गया क्योंकि बगले भी आपको नज़र आ रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद रंग के, वो भी बैठे अपने कीड़े मकोड़े अभी निकलेंगे ना तो खाएंगे। उस साइड पे तो धूप सेक रहे हैं, नहा नहा के लगता है थक चुके हैं, इसलिए जो है ये बैठ गया अभी सुखाने के लिए। और आज जी हमारा गड़ा भी आ चुका है, कल ही आ गया तो मैंने धो के आज रख दिया यहाँ पर। शुक्र है उस जात का कि ये पानी जो है ना हमारा अपना फिल्टर वाला। फजर कह रही है कि मुझे खाने हैं ग्रेप्स, फजर को ग्रेप्स देते हैं। और ग्रेप्स तो मेरे बुक्स में भी होते हैं। अच्छा, फजर बोली भी मेरी बुक्स में भी ग्रेप्स होते हैं। और आज हम लोग बना रहे हैं जी मछली का सालन और साथ में बनाएंगे तंदूरी रोटी। तो तंदूरी रोटी की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया आपने तंदूरी रोटी नहीं बनाई है, तो मैंने कहा चलें। वैसे तो तंदूरी की हालत थोड़ी ख़राब है लेकिन आज से आस्ता आस्ता करेंगे तो फिर जो है ये हो जाएगी। चूल्हा जो है इसको रिपेयर कर दी है, ये भी काफ़ी ख़राब हो गया था क्योंकि बारिशें भी आई थी और सैलाब भी आया था उस टाइम, तो उधर रखा हुआ था मिसाइयों के पास, उधर से उठा के ले आए। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पे अपने मिसाले की तैयारी करते हैं और मोहम्मद सुबान को बुला लेना था, वो सारा इधर लाओ ठीक है। और फिर हम बनाएंगे खाना। तो आज का खाना बहुत ही मज़े का बनेगा क्योंकि एक तो हमने लकड़ी पे बनाने और दूसरा इस फ्रेश माहौल में बनाने और खाने, है ना फजर? एक बनाना है, एक बनाना है, बनाना नहीं है छिलका है, वो आपने खा लिया है बनाना। तो फजर को मुझे नहीं पता था, मैंने कहा छिलके ही है तो एक मिल गया। ये पूछ रही थी मुझसे आज मोहम्मद सुबान क्या कर रहे हो। मोहम्मद सुबान जो है ना वो भी बेचारा वहाँ पर सीढ़ियाँ ही थी बस, तो मैं सीढ़ियों की तरफ जाने नहीं देती थी और ये खेल नहीं सकता था। अभी मैंने कहा चले कोई नहीं मौजे करने दे, बच्चे हैं ना यही टाइम है इनके खेलने का। मम्मा ये खा लो आप, बाद में खाना, चलो ग्रेप्स भी खा लो ये भी खा लो, पहले तो आपने कहा है मुझे दो। ठीक हो, खाने से पहले फ्रूट खाते हैं ना, बाद में खाने का क्या फायदा फिर। खाना बना रहा हूँ, मामा सुबान बोल रहा है कि मैं खाना बना रहा हूँ, खुद ही ऐसे बोल रहा था कि मैं खाना बना रहा हूँ। आज इसने तासले के ऊपर रोटियाँ बनानी है। सुबान क्या कर रहे हो, किसके लिए खाना बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो खाना? मैं खाना मम्मी का खाना बना रहे, मुझे नहीं देना, मुझे नहीं दोगे खाना? चलो ठीक है जी, मम्मा सुबान बोल रहा है कि मैं आपको भी खाना दूंगा। तो अभी जी इस साइड पे जो है ना काफ़ी सारे आ चुके हैं बगले और हमारी जो है कुकिंग की तैयारी हो चुकी है मुकम्मल। अभी मैं जला रही हूँ यहाँ पे आग और बच्चों के काम चेक कर लें, रोटियाँ बनाते बनाते ना इन्होंने क्या हाल कर लिया है अपना, कपड़े ज़्यादा मैं नीचे करूंगी, ठीक हो गई। ये फजर बड़ी बड़ी पेड़ियाँ बना रही है कि ये मैं इसको ऐसे करके ऊपर रखूँगी फिर धूप पे खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आऊँगी तो ये ऐसे बड़ी बड़ी बॉल बनी हुई होंगी, क्योंकि कह रही थी कि फुटबॉल लेकर दें। तो अभी सूरज जो है वो सामने ही है लग रहा है काफ़ी। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर खड़ी होकर कुकिंग कर रही हूँ, तो काफ़ी लोगों ने ज़ाहिर बात है मिस किया होगा इस चीज़ को, तंदूरी रोटी को, और यहाँ पर जो मैं कुकिंग करती हूँ क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि किसने मिस किया है इस चीज़ को, मैंने तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मिस किया है। अभी हम लोग जल्दी से जलाते हैं आग, और आग तंदूरी भी थोड़ा सा हमें तंग करेगी क्योंकि ये सैलाब के दौरान गीली हो गई थी ना, मैंने दिखाई थी, तो आज लकड़ियाँ भी थोड़ी ज़्यादा लेगी
लेकिन ये है कि वो जो तिल वाली लकड़ियाँ हैं ना वो हमने रख ली थी, वो तंदूरी के जलाने के काम आएंगी। तो माशाल्लाह से जी आज हमने काफ़ी टाइम के बाद इसमें जलाई है आग चूल्हे में और काफ़ी अच्छी जल गई है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। तो आज छोटे वाली जो हमारी कढ़ाई है हांडी, इसको भी मैंने लेप लगा ली है, अभी इसको चूल्हे पे रखते हैं। तो माशाल्लाह ये भी फिट आई है। अभी हम इसमें डाल देते हैं जी घी। सर्दियों में घी थोड़ा जम जाता है लेकिन अभी जो है पिघला हुआ है क्योंकि गर्मी काफ़ी है। मछली बना रहे हैं मामा, आप हाथ मुंह धो लो, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। हमने जी फीटर से पानी भर के रख लिया क्योंकि हैंड पंप में जो है वो अभी ख़राब है, तो उधर से ही पानी घड़े में भी भर लिया, कूलर में भी भर लिया, कुछ उधर भरा हुआ खड़ा भी है। मैंने बच्चों को बोला कि अभी फजर ने काफ़ी पेड़ियाँ बना ली हैं, देखे जैसे रोटी की पेड़ी बनाते हैं ऐसे इसने बनाई है। तो हम जो गाँव के लोग होते हैं ना, हमें इसीलिए जल्दी रोटी बनानी आ जाती है क्योंकि हम बच्चे जो है छोटे छोटे ही रोटियां बनाने लग जाते हैं मिट्टी की, तो फिर जब बड़े होते हैं तो समझ लें हम शुरू से ही तैयार होते हैं रोटियां बनाने के लिए। तभी मेरा भी इसी तरह है, ये अभी थोड़ा गर्म हो जाता है तब तक मैं अंदर से लेकर आती हूँ कुंडी डंडा। हाँ जी छोटे घी जो है वो हमारा गरम हो गया, तो अभी हम इसमें डाल देते हैं जी प्याज। घी जो है वो गरम हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना क्योंकि फिर हांडी जो है वो टूट जाती है। तो अभी शाम का टाइम है और जो परिंदे वगैरह हैं वो भी जा रहे हैं, लेकिन पहले खेत में आके बैठे हैं, इन्हें भी कुछ ना यहाँ से मिलेगा। काफ़ी सारी छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं वो भी बगलों को देख के बैठ गई हैं कि हमें भी यहाँ से कोई कीड़े वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमने जी डाल दिए हैं इसमें, ये हमारी देसी हांडी रोटी हो रही है देसी तरीके के साथ। और अभी हम अदरक और लहसुन जो है इसको कूट लेते हैं अपनी नई कुंडी में। तो काफ़ी सारी जो मेरी बहनें हैं वो ये कमेंट्स कर रही थी कि आपने पत्थर की लेनी थी या लकड़ी की ले ली थी, तो आपने ये मिट्टी के क्यों लिए? तो इसलिए लिए, एक तो इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है जब इसमें बंदा कोई भी चीज़ पीसता है ना, क्योंकि मिट्टी की खुशबू आपको पता होती ही अलग है। और दूसरे नंबर पर जब इसमें ऐसे करके कूटते हैं तो जो आवाज़ गूंजती है ना यहाँ पर वो बहुत ही प्यारी लगती है, तो इसलिए। और वैसे भी मिट्टी जो है ना मिट्टी होती है। तो यहाँ पे हमारे प्याज की फ्राई हो चुके हैं और मामा सुबह ने खाना बना के अभी ये पत्ते इन्होंने यहाँ से तोड़े हैं। कह रही है कि मैं जो है ना खाना मैंने बना के रखा है और अभी पत्ते पट के वो ना उर्दू की टांगे तोड़ रही है। पत्ते तोड़ के कहते हैं बेटी, पत्ते तोड़ के लेकर आई और अभी उसमें उसने वो पेड़े जो बनाए थे वो पत्तों में रखे हुए हैं। और मोहम्मद सुबहान अपना इधर अलग से तैयार कर रहा है, तो माँ को तो खाना तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही लगी हुई हूँ खाना बच्चे खुद खाना तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलो आप मेरे लिए बनाओ मिट्टी वाला खाना, मैं आपके लिए इतना अच्छा मछली का सालन और तंदूरी रोटी बना रही हूँ। ठीक हो गया, फजर कह रही कि मैं बड़ी होकर खाना बनाऊँगी। आपने भी यही काम करना है, खाना बनाना लड़कियाँ बनाती हैं जी। प्याज हमारे जो है ना वो हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं, अभी मैंने इसमें डाल दी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी थोड़ा सा ना इसको भून लेते हैं अदरक लहसुन के साथ, प्याजों के साथ अदरक लहसुन को। तो यहाँ पे जो मिर्चें हैं ना वो भी मैंने कूट लिए हैं, अभी जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों वाली जो मिर्चें होती हैं वो बड़ी मोटी सी होती हैं ऊपर वाली उनकी जो जल्द होती है ना, लेकिन जो गर्मियों की मिर्ची होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो वही आना शुरू हो गई है तो मैंने इसको अच्छे से जो है कूट लिया है। हैप्पी बात ले आ गया मोहम्मद सुबहान का। हाँ जी, जब आपकी छुट्टियाँ होंगी तो फिर करेंगे।
जब छुट्टियाँ होंगी तो अभी अगले साल, फजर कह रही कि जब मुझे छुट्टियाँ होंगी फिर करेंगे। फजर की जनवरी में होती है सर्दियों में, और मोहम्मद सुबहान की गर्मियों में होती है। सर्दियों वाले कपड़े बहुत पड़े हैं। पानी ज़्यादा डाल दिए, साथ में हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। जब तक ये दोनों चीज़ें हमारी गलती हैं, मैं तब तक जो है ना आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि शाम हो रही है, टाइम जो है वो काफ़ी हो गया। खाने को बस ऐसे करते हैं और फेंक देते हैं ऐसे। तो माशाल्लाह भी यहाँ पे जो सूरज का मंजर जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है पीछे। ये कल बने रह गए, ये फिर मैं देख सकती आ गया, मैं उठा के ले आऊंगी। नहीं नहीं उधर लेकर जाओ खाना। चलो हूँ हाथ मुँह धो के बाबू। बेबी बस मम्मी बस तेरे हर बातें में हैप्पी बर्थडे। मिर्ची जो है ना वो इधर उधर गिर गई है, मैंने यहाँ पे मिसाले निकाले हैं, इसलिए छींकी आ रही है। तो यहाँ पर जो हमने मिसाले जो है निकाल लिए, थोड़े थोड़े मैंने डाले हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो खाने वाले हैं, इसीलिए अभी हम इसको डाल देते हैं जी हांडी में। आज मैं हांडी बड़ी खुश होकर बना रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद कोई मेरी पसंद की बन गई है ना, आग पे ऐसे आराम से सुकून। मैं कहती हूँ जितना सुकून इस चूल्हे पे खड़े हो के हांडी बनाने में, और यहाँ पर खड़े हो के वो गैस पे नहीं। गैस वाली रोटी जो है वो भी हमें कड़वी लगती है, और उसका बना हुआ गैस पे बना हुआ सालन जो है वो भी कड़वा सा लगता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि लकड़ी के पे बनाएँ। सभी बहन भाई बोलते हैं कि आप जो है अच्छी खासा कमाती हैं तो आप उस पर कर लें, सिलेंडर यूज़ किया करें। बस यही वजह है कि हम लोग सिलेंडर थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। बस ये एक मैं चाय कभी सिलेंडर पे बना लेती हूँ, या बच्चों के लिए दूध बॉयल करती हूँ। खाना हमारा हमेशा आग पे ही बनता है। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी तंदूरी जल चुकी है, तो हमने बीच में वीडियो बनाई है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि माइक जो है वो बंद हो गया था। तो हांडी जो है वो भी हमारी तैयार हो गई है, इसको हम उतार लेते हैं नीचे। इसमें से हमने आग जो है वो निकाल ली थी क्योंकि आग ज़्यादा थी, तो ये मिट्टी की हांडी है, तो ये इसमें भी जो है दम में तैयार हो जाएगी। अभी इसको ज़्यादा मज़ीद हिलाते नहीं हैं और उतार लेते हैं नीचे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है, और शाम हो चुकी है अभी। तंदूरी ने थोड़े ज़्यादा देर ले ली है क्योंकि इसको समझ लें वैसे ही जलाना पड़ा है, जैसे बंदा नई तंदूरी लगाता है तो उस टाइम ज़्यादा लकड़ियाँ इस्तेमाल करता है ऐसे ही, क्योंकि ये काफ़ी गीली हो के ख़राब हो चुकी थी। अभी ये पकेगी दोबारा से, हमने मोटी लकड़ियाँ डाल दी हैं, हांडी भी उतार के रख दी है नीचे। जैसे ही हमारी तंदूरी जो है वो जलती है तो फिर हम बनाएँगे रोटियाँ। बच्चे अभी तक खेल रहे हैं, ये खेलने से जो है आज अच्छी नींद सोएंगे, थक के जब सोएंगे ना तो फिर अच्छी नींद आएगी। मैं चलो उधर बैठ जाओ, उधर चलो। अभी जी रात हो चुकी है और हमारी तंदूरी जो है वो जल गई है, और मैं अभी लगा रही हूँ रोटियाँ। दो रोटियाँ हम उसमें लगा चुके हैं, छोड़ हाथ। रोटी है बेटा रोटी, रोटी बना रही हूँ रोटी। आपने हाथ नहीं धोए ना, मैं धुलवाऊंगी। मैंने भी नहीं धोए। अच्छा किया। फिर रात हो चुकी है, अभी जो है फुल अंधेरा हो गया, तो हमारे पास अभी यहाँ पे लाइट नहीं है क्योंकि हमारी जो सोलर प्लेट्स हैं और वो इधर हमसायों के पास हैं, तो वो हमने उठाई नहीं है। जब शिफ्ट होंगे तो तभी उनसे ले लेंगे, क्योंकि अभी उनको भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कहा चलो आप
कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर लें। देती रुक जाऊं खलोता के।